यूनियन की हड़ताल से पूरा चक्का जाम, सरकार से रखी 16 डिमांड। दिल्ली वालों को आज सफर में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज यानी सोमवार को दिल्ली में ऑटो, टैक्सी और मिनी बस चालकों के विभिन्न संगठनों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। अभी हाल ही के कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम प्रतिदिन 80 पैसे के करीब बढ़ रहे हैं, तो इसी के कुछ दिनों बाद ही सीएनजी के दाम में 2 से 3 रुपए हफ्ते में एक दिन कंपनियां बढ़ा ही रही हैं, जिसको लेकर आम लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। अब जब एक दिन पहले ही सीएनजी पर 2.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो सीएनजी की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर अब ऑटो, टैक्सी, कैब और मिनी बस चालकों की 2 दिनों की हड़ताल पर है। इससे आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन दिल्ली के अध्यक्ष कमलजीत गिल का कहना है कि ईंधन की कीमतों में कमी करने के लिए सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाए जाने पर 2 दिन की हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया है। सभी यूनियन किराया दरों में बढ़ोतरी और सीएनजी की कीमतों में कमी किए जाने की मांग कर रही हैं। सीएनजी की कीमतों पर सब्सिडी की मांग को लेकर सैकड़ों ऑटो, टैक्सी और कैब चालकों ने हाल ही में दिल्ली सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन किया। आखिर क्या है यूनियन की 16 डिमांड, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार एक समिति बना रही है जिससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हमें तो सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। हमारी मुख्य मांग है कि सरकार, केंद्र और दिल्ली सीएनजी की कीमतों पर 35 रुपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी प्रदान करें। क्या है वह 16 मांगे, आइए आपको बताते हैं। नंबर 1, ऐप बेस्ड टैक्सी का किराया दिल्ली सरकार को तय करना चाहिए। नंबर 2, पैनिक बटन की अनिवार्यता खत्म की जाए। नंबर 3, स्पीड गवर्नर की चेकिंग के नाम पर 2500 रुपए लेना बंद किया जाए। नंबर 4, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की डीजल बसों और टेम्पो ट्रेवलर को 10 साल की वैधता दी जाए। नंबर 5, दिल्ली में सीएनजी की कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों की वैधता 2 साल और बढ़ाई जाए। नंबर 6, दिल्ली में डीजल की यूरो 6 टैक्सी बसों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाए। नंबर 7, स्पीड गवर्नर और पैनिक बटन घोटाले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। नंबर 8, दिल्ली में डीजल पर वैट कम किया जाए। नंबर 9, सीएनजी गैस के लिए दिल्ली सरकार बस और टैक्सी मालिकों को सब्सिडी दे। नंबर 10, डीआईएमटीएस द्वारा हर साल जीपीएस के नाम पर लेने वाली फीस बंद की जाए। नंबर 11, दिल्ली में परिवहन विभाग की तरफ से ली जा रही सारी लेट फीस और जुर्माने हटाए जाए। नंबर 12, अभी भी 8 सीटर डीजल टैक्सी के परमिट 5 साल के लिए नवीनीकरण नहीं हो रहे हैं, इसके परमिट जल्दी नवीनीकरण के आदेश दिए जाएं। नंबर 13, फिटनेस के समय ड्राइवर जेंडर ट्रेनिंग हटाई जाए। नंबर 14, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की टैक्सी बसों से स्पीड गवर्नर की अनिवार्यता हटाई जाए। नंबर 15, डीजल, पेट्रोल और सीएनजी को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। नंबर 16, ट्रैफिक पुलिस और एनफोर्समेंट की तरफ से बसों पर वसूले जाने वाले 10,000 के जुर्माने बंद किए जाएं। पहले भी किया था ऑटो चालकों ने प्रदर्शन। सीएनजी की कीमतों पर सब्सिडी की मांग को लेकर सैकड़ों ऑटो, टैक्सी और कैब चालकों ने कुछ दिनों पहले ही दिल्ली सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन किया था। सोनी ने कहा, हम हर रोज घाटे में चल रहे हैं, अपने ऑटो और कैब नहीं चला सकते क्योंकि सीएनजी की कीमतें प्रतिदिन बढ़ रही हैं। हम हड़ताल पर जा रहे हैं, ये कीमतों में बढ़ोतरी पर विरोध करने के लिए एक प्रतीकात्मक विरोध है। देश और दुनिया की और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहिए हमारे साथ देशित न्यूज़। धन्यवाद।